माउंटेन डॉग्स चैलेंज। भाई बच्चों, नियॉन वुड्स के जंगलों में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जैसे कि माउंटेन कैट और माउंटेन डॉग। माउंटेन डॉग पर गियोन परिवार रहता है। आज एक लंबे सफर के बाद वो अपने घर लौट रहा है। गियोन आ गए। सब कुछ ठीक तो है ना वांडा? हाँ, आपके जाने के बाद मैंने यहाँ सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। मैं हूँ हीरो नियॉन वुड्स का, हैंडसम और क्यूट और बहुत ही स्मार्ट है। मेरी मूंछों पे हर एक फिदा हूँ, मैं दुनिया में सबसे जुड़ा। नाम है मेरा नियॉन और बांटता हूँ मैं बेशुमार प्यार। ये बदमाश नियॉन, मेरे जाने के बाद लगता है ये नियॉन काफी मशहूर हो गया है। देखो तो कैसे हर वक्त मैं करता रहता है। ओए वांटा जी, जाकर उससे कहो कि मुझसे लड़ने को तैयार हो जाए। कितने फैंस की चिट्ठियां हैं। वाकई टीवी से बहुत फर्क पड़ता है। कांग्रेचुलेशंस सर। कौन सी चिट्ठी पहले पढूं? ये वाली अच्छी है। मैं ये पहले पढ़ता हूँ। प्यारे नियॉन, तुम बहुत अच्छे हो नियॉन। और क्या लिखा है? पर सारी चिट्ठियों में एक जैसी हैंडराइटिंग है। ओह, शायद मैं इस लिखावट को पहचानता हूँ। हाँ, सारी मैं कुछ नहीं जानती। ये सारी चिट्ठियाँ तुमने लिखी है ना? तुमने ऐसा क्यों किया? सॉरी नियॉन सर, मुझे लगा आप चिट्ठियाँ पाकर बहुत खुश होंगे। क्या ये भी तुमने भेजा है ना? नहीं, ये मैंने नहीं भेजा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉक्स किसी असली फैन ने भेजा है। हाँ, फैन नहीं है, दुश्मन है। सर, गुस्सा भी ठीक नहीं। नियॉन, माउंट डॉग का गियोन लौट आया है। उसने मुझे चैलेंज किया है। हाँ, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। अब सबको मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और इस तरह आप मशहूर हो जाएंगे। क्या शॉट मारा है हुना में जीनियस, मुझे मिलेंगे 10 पॉइंट। अब नियागो की बारी है। वाह, क्या शॉट था। अब तो नींद से जाग जाओ नियागो, तुम तो गिरने में चैंपियन हो। तुम्हें सोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। दोस्तों, चाय तैयार है। दोस्तों, आज के ताज़ा खबरों में माउंट डॉग का गियोन अपने जंगल वापस लौट आया है। अभी अभी उसने नियॉन को रेस के लिए चैलेंज किया है और नियॉन ने चैलेंज मान भी लिया। दोनों के बीच कल माउंट कैट पर रेस होगी। जीत किसकी होगी, नियॉन की या गियोन की, ये कल पता चलेगा। माउंट कैट पर रेस, मजा आएगा। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। नियॉन और गियोन के बीच रेस शुरू होने वाली है और दोनों पूरे जोर शोर से इस रेस को जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, रेस शुरू होने वाली है। नियॉन और गियोन तोसेनबो नदी पार करेंगे और चीकू चीकू ची जंगलों को पार करते हुए वो माउंट कैट की चोटियों तक पहुंचेंगे। जो माउंट कैट से पोल लाने में कामयाब होगा, विजेता वही होगा। तो रेस शुरू करते हैं। यहीं पर बहुत मैं करते रहते हो। आज बराबरी का मुकाबला होगा, देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत। हाँ, देखते हैं किसमें कितना है दम। ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। अपनी पोजीशन ले ले। रेस शुरू। और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है। दोनों में एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई है। बहुत तेजी से दोनों जंगलों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सबसे पहले माउंट कैट पर पहुंच के पोल लेकर आता है। जो पहले पोल माउंट कैट का पोल, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है जो मुझे याद नहीं आ रहा। अब ये दोनों आ पहुंचे नदी के पास। नदी पार करने के बाद इन दोनों को घने जंगलों को पार करना है। क्या ये करना जरूरी है? क्या कोई पुल नहीं? डर गए ना, लेकिन इसे तैर कर ही पार करना होगा। ये क्या कर रहा है? मुझे तैरना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मैं वहाँ से पार कर सकता हूँ। चलो चला। और ये क्या? गियोन पानी में गिर गया है। ये तो रेस का पहला पड़ाव जिसमें गियोन ने बाजी मार ली है। दौड़िए सर, जल्दी।
अरे ये कहाँ फंस गया? दूसरा मुश्किल दौर है चिकू चिकुची का जंगल। गियोन आगे बढ़ने की जी जान से कोशिश कर रहा है। हाँ मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं वाकई तेज हूँ देखो। हे नियॉन सबसे तेज है। वाह नियॉन सर बहुत अच्छे। दोनों ही बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को एक कदम भी अपने से आगे नहीं जाने दे रहे। ये रेस वाकई बहुत दिलचस्प होती जा रही है। चलो नियॉन बहुत खूब किया, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है। हट जाओ, ये पोल मेरा है। नहीं, इस पोल को सिर्फ मैं ले जाऊंगा। दोनों पूरे जोश में है। अरे नहीं, ऐसा मत करो। ये बोल मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो इसे। छोड़ दो। जो भी माउंट कैट से ये बोल ले जाएगा वो पाक रूहों के कहर से बच नहीं पाएगा। ये मेरा है। और ये क्या, माउंट कैट का पत्थर नीचे गिर रहा है। नियॉन गियॉन भागो, जल्दी करो। ये पत्थर गियॉन को कुचल देगा। गियॉन को बचाओ। मुझे जाना होगा। पीदोरी। ये क्या चीज है? शायद कोई पंछी है। नहीं नहीं, शायद कोई प्लेन। नहीं नहीं, ये है शक्तिशाली नकाब पोश नियांडर, हमारा एंजल कैट। वो पत्थर जो नियॉन और गियॉन को कुचलने वाला है, उम्मीद है नियांडर उसे मत को रोक लेगा। आओ आओ, अब हम क्या करेंगे? हमारी रेस का क्या होगा? अबे रेस को छोड़ो, पहले जान बचाओ। आओ नियांडर के पास जाओ। नियांडर ने उन्हें बचा लिया। बाल बाल बचे। अरे ये क्या, ये पत्थर खिसकता हुआ दर्शकों की तरफ आ रहा है। अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। वाह रुक गया। देखा कोंगू आ पहुंचा। डेका कोंगो, डेका कोंगो, इस पत्थर को वहाँ फेंकने में मेरी मदद करो। हाँ अभी करता हूँ। बाबा नियांडर और डेका कोंगो का जवाब नहीं। इस बार भी नकाब पोश नियांडर ने सबको बचा लिया। तो दोस्तों नियांडर कामेन तो हमारे नंबर वन है ही, पर देखा कोंगू का भी हम सब पर एहसान तो रहेगा ही। ओ कितनी खुशी, क्या बिल्कुल ठीक है। शुक्र है गियॉन, आप बच गए। तुमने हमारी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ये सब तुम्हारे आपस के झगड़े की वजह से हुआ है। तो क्या मैं सजा का हकदार हूँ? तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों? अगर कोई मदद के लिए पुकारेगा मैं जरूर उसकी मदद करूँगा। पर बिन बुलाए मेहमान, हमने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। उस्ताद तुम बहुत नेक दिल हो, अगर सभी तुम्हारे जैसे हो जाएं तो जंगल जन्नत बन जाएगा। मोंटा अब मैं सफर पर जा रहा हूँ। नियॉन आज के बाद हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, इस बात को याद रखना। अच्छा तो अलविदा मेरे दोस्तों। दोस्तों शाम हो गई है, गियॉन जा चुका है, सब कुछ शांत है। रुको जरा एक मिनट रुको। क्या बात है दादू, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हें माउंट कैट का पोल नहीं ले जाना चाहिए, अगर ले गए तो तुम पर आफत आ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो माउंट कैट का पत्थर सलामत है। तो अब मैं आज शाम की लिस्ट पढ़ता हूँ, और जाहिर है कि नंबर वन की पोजीशन पर है नकाब पोश नियांडर, दूसरे पोजीशन पर चाय है।
माउंट डॉग का गियोन जो आज ही आया था और फिर सफर पर चला गया, और दे का कॉन्गो जिसने नियांडर की मदद की। ये सरासर गलत है, मैं गियोन को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे हरा कर रहूंगा। ये बिल्कुल गलत है। पर लड़ी अच्छी नहीं लगती सर। तो ये था नियोन, जो नियांडर और गियोन से ज्यादा मशहूर होना चाहता था। क्या उसका ये सपना कभी पूरा होगा? चलिए अगली कहानी तक इंतजार करें और देखें उसमें कितना रोमांच और रहस्य है।